an academy. Let's crack it. You are literally dead inside while you are preparing for judiciary. लेकिन ये lawyer बनेगा, इसकी life बहुत happening होगी, है ना? Definitely होगी, definitely होगी. तू lawyer है, तुझे इन सब लोगों को convince करना है कि ये judiciary क्यों ना करें. कर, कर. सुन सुन, 2 मिनट है. हाँ हाँ, आराम से. मेरे दोस्त हैं, कोई मेरी मिस्टेक लाइक करते थे, ठीक है? तो मुझे भी लगा कि एट अ पॉइंट, अच्छा मतलब अगर आप लॉ स्टूडेंट नहीं हो लगता, आपको नहीं लगता कि मैं डिस्ट्री डिस्कशन करूँ, एट अ पॉइंट आप सभी को लगता है. मैंने आपके पेरों और सभी पर एडिट किया है, लेकिन आपको लगता है कि भाई मुझे जज बनना है. तो ऐसा मुझे भी लगा था. तो फिर ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं जज बन गया तो यार मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू नहीं घूम पाऊंगा. तो ये चीज़ मेरे को हिट कर गई. ऐसा किसने कहा कि आप जज बन के वो मर्सिडीज में नहीं घूम सकते? टाइम लगेगा. हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वो सीरियसली बात कर रहा है ना, फोकस करो तुम लोग. हाँ, और फिर नानी पार्टी वाला और ये सब लोग बहुत इंस्पायर हुए. मैंने और इंटर्नशिप की, मैंने तो देखा भाई हाई कोर्ट में क्या जजे होते हैं वकील के, ठीक है? और जज के सामने तो मतलब जज की उतनी नहीं थी मेरे सामने. मैंने प्रैक्टिस करता था तो बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत प्रेस्टिजियस वकील के साथ मैं इंटर्नशिप कर रहा था. अविनाश शुक्लकर सर मतलब प्रोमिनेंट लॉयर, क्रिमिनल लॉयर इंडस्ट्री कोर्ट. तो उनके सामने जब देखते थे, वो जब जिरा करते थे, वो आर्ग्यूमेंट करते थे, तो जज भी सुनता था और उनकी कदर करता था. यार मतलब ऐसे पर्सन के साथ ऐसे स्टेज पर आके कुछ कर सकते हैं. हमारा, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्चुअली, तो बेसिकली मैं जज बनता तो मेरा एक दायरा सीमित हो जाता, बट मैं थोड़ा मैं बड़ा सोच रहा है ऐसा, बियॉन्ड जुडिशरी और ये सब. गुड जॉब, गुड जॉब. एक सेकंड रुक जा. सेशन के लिए आया, इधर आओ दोनों, दोनों इधर आओ, तीनों इधर आओ. चौथा भी कोई है क्या? नहीं, पहले ये वरुण है, एबीवीपी का है तू. नहीं मालूम ना मेरे को, ऐसे पकड़ लेते हो आप. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये तेरी कॉलेज में जूनियर था? ये तेरा जूनियर है तो? ओह हाँ, जॉपर छूट. बहुत सही, जूनियर है तुम्हारा. लेकिन ताली बजा दो इसके लिए, एक बार बजा दो. बाकी लोग भी ताली बजा दो. समीप, समीप की शक्ल ऐसी है. बढ़िया, गुड जॉब, गुड जॉब. आ जाओ, बैठ बैठ. सर हम लोग के लिए ताली रीवा से आए हैं. तुम लोग रीवा से आए? तू प्रसिद्ध सांवला हो गया है. नहीं सर, थोड़ा सा आप हो गए. आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ. अच्छा बाज, आ जा 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 जा. सॉरी यार, मैं तेरा कॉल आ रहा था प्रसिद्ध. हाँ. सॉरी यार, मैं मिस कर गया तेरा कॉल. यहीं बैठ जा. लेट आ सकते हैं, वो मैं ही था. अच्छा तू ही था, बहुत सही. प्लीज अंदर, थोड़ा सा अंदर, एकदम कॉर्नर में मत जाओ, पीछे चले जाओ. पीछे आ जाओ, पीछे जगह है, ठीक है? बहुत दूर से आ गया यार तो प्रसिद्ध. अर्पिता कैसी है? बढ़िया. अभी मेडिकल हो गया उसका? मेडिकल अभी नहीं आया था, 4-6 दिन पहले तक नहीं आया. अच्छा, आने वाला होगा. टॉपर तक आ गए तो शुरू के रैंक पर, ठीक है. अच्छा, और क्या बोलते हैं, जसविता, हाउस जसविता, वो तो 15 में. इनकी सिस्टर हैं जसविता शुक्ला, 2018-19 MPCJ रैंक 1. बजाओ बजाओ बे, इसमें बनता है रैंक 1. पर मैं आप लोगों को बहुत ऑनेस्ट, एंड आई हैव टॉक टू जसविता, आई हैव टॉक टू हर एल्डर सिस्टर अर्पिता. बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ तुम लोग को. आई एम मोर इम्प्रेस्ड विद अर्पिता देन जसविता. जसविता को ये बात मत बताना. आई एम मोर इम्प्रेस्ड विद अर्पिता रादर देन जसविता. रीज़न बताता हूँ उसका, बहुत अच्छा रीज़न बताता हूँ. जसविता को मोटिवेट करने का, जैसे वरुण ने आप लोग को मोटिवेट किया, वरुण ने बहुत सही मोटिवेशन दी है. वरुण ने कुछ गलत नहीं बोला. वरुण ने जो चीज़ उसकी नॉलेज में है ना, उस हिसाब से उसने अच्छी चीज़ बताई है तुमको कि यार हाई कोर्ट के एडवोकेट का जलवा होता है. ये सच है. हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो जजेस होते हैं, अगर सीनियर एडवोकेट उनके सामने आता है, इवन द जजेस शो देयर ग्रैटिट्यूड एंड रेस्पेक्ट. दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. हाई कोर्ट का एडवोकेट होने का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एडवोकेट होने का, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट होने का अपना फ़ायदा है, अपना नुकसान है. नुकसान नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, किसी चीज़ का नुकसान नहीं बताऊंगा. जुडिशरी में आने का अपना फ़ायदा है, चाहे आप मजिस्ट्रेट लेवल पे रहो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहो, हाई कोर्ट लेवल पे रहो, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट लेवल पे रहो. अपना फायदा अपना नुकसान है, बंध है, बंध जाते हैं, बंधन है। यस, ये जुडिशरी का नुकसान है। लेकिन भले जुडिशरी में मजिस्ट्रेट हो, भले जुडिशरी में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, हाई कोर्ट का एडवोकेट आएगा ना तो भी आपको सर ही बोलेगा, चाहे तुम 23 साल के हो, 24 साल के हो, 25 साल के हो, 26 साल के हो, सर मैडम यही बोलेगा। तुम्हारे सामने 60 साल का 70 साल का एडवोकेट खड़ा। इट्स अ म्यूचुअल रेस्पेक्ट, बार एंड बेंच रिलेशनशिप इसको बोलते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल इट। सो जो मैं एड्रेस कर रहा था, बहुत ही मोटिवेशनल पॉइंट है कि जसविता से ज्यादा अर्पिता मोटिवेशनल क्यों है, वाई इज शी मोर इंस्पिरेशनल। सो अर्पिता इज द एल्डर सिस्टर। अच्छी कहानी है, बहुत, दो बहनों की कथा है ये, बैल था ना ओरिजिनली, दो बहनों की कथा है। अर्पिता इज द एल्डर सिस्टर, शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। उनको देखते हुए, उनसे मोटिवेशन लेके जसविता ने भी प्रिपरेशन शुरू किया। अर्पिता एंड जसविता दोनों ने साथ में अपीयर होना शुरू किया। अर्पिता जो बड़ी हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जसविता छोटी हैं, रैंक 1 सीधे फर्स्ट अटेम्प्ट में, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, MPCJ रैंक 1 है। मोटिवेशनल है ना, डेफिनेटली मोटिवेशनल है ना। वॉट कैन सरपास दिस मोटिवेशन, इस मोटिवेशन के ऊपर क्या मोटिवेशन हो सकता है यार, कि बच्चा हिंदी मीडियम का है, गुदड़ी का लाल है, रैंक 1 MPCJ कैसे, चलो आ गई आ गई। बड़ी बहन की कहानी सुनो, कितने अटेम्प्ट्स दिए MPCJ के? 3 प्रीलिम्स भी दिया था शायद, प्रीलिम्स मतलब उसके अलावा कुछ जगहों के प्रीलिम्स भी दिए, कुछ जगह के प्रीलिम्स दिए, कुछ जगह के मेंस दिए। MP में 3 बार इंटरव्यू दिया, 4थी बार में अब जाके बंदी सिलेक्ट हुई है। ये ज्यादा मोटिवेशनल है, बताऊं क्यों? क्योंकि जो पहली बार में जज बना है ना, उस कम से कम अभी भी मेहनत कर रही है जसविता, शी इज ऑब्वियसली वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, बट समझो उस बंदी की मेहनत एटलीस्ट प्री मेंस और इंटरव्यू का जो विशियस सर्कल है ना, कम से कम वो उसको पार पा गई। Then we have Arpita. She is appearing for like 3 times 4 इंटरव्यू में, भाई 4 बार इंटरव्यू से कोई कैसे, आप 3 बार इंटरव्यू से बाहर हुए, कैसे 4थी बार हिम्मत होगी कि आप 4थी बार प्री निकालो, मेंस दो, मेंस निकालो, फिर इंटरव्यू में जाओ और फिर किस्मत पे छोड़ दो कि इंटरव्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये है मोटिवेशन। अब आप ये सोचो, ये जो दो बहनें हैं ना, ये आपको कॉलेज लेवल पे भी इंस्पायर कर देंगी। दोनों हिंदी मीडियम है, यस दे बोथ आर हिंदी मीडियम। ये कॉलेज लेवल पे भी आपको इंस्पायर करती हैं, ये ग्रेजुएट होते हो आप तब भी आपको इंस्पायर करती हैं, LLM करते हो तो भी इंस्पायर करती हैं, हाई कोर्ट में चाहे आप पेपर देते हो MPCJ का तब भी आपको इंस्पायर करती है। तो इस चीज से सीख लो कि आपको हार तो आइदर वेज नहीं मानना है यार। प्रीलिम्स दिया है ना, तेरे को देख बहन की शादी की खुशी है, पूरी खुशी है समीप, लेकिन यह भी था ना कि यार मैं प्रीलिम्स में बहुत पास था पिछली बार, अगर इस बार देता हो सकता है निकल सकता था, रहता है ना भाई। खुशी अपनी जगह है भाई, बहन से प्यार है तो डेफिनेटली वो खुशी रहेगी, लेकिन ये मलाल भी रहता है कि यार देखो मैं आ गया, आ तो गया था, अगर दे देता तो शायद वो पेपर निकल जाता। यस, तो ये वाली जो चीज है ना, ये ताउम्र तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है ना, वो एक्सपीरियंस को तुम कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हो उस पर डिपेंड करता है कि तुम आगे लाइफ में सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। अभी तो यू विल बी इरिटेटेड, अभी तो तुम्हारा दिमाग इसी बात पे सड़ रहा होगा कि यार संडे का दिन है, क्यों आए हैं हम यहाँ पे, ये क्या मोटिवेशनल ज्ञान की क्लास चल रही है, हम तो खान सर के वीडियो भी तो देख ही रहते, हम संदीप माहेश्वरी भी तो देख ही लेते हैं, अभिनव बिंद्रा अंकल तो हैं ही, आ जाते हैं बाउंस बैक बोलते रहते हैं, तो वो सब भी तो चल ही रहा है, तो हम यहाँ बैठे क्यों हैं? द रीजन इज सिंपल, यू वॉन्ट टू बिकम अ जज एंड दैट इज इट, दैट्स खत्म खत्म। An Academy. Let's crack it.